Good morning to all of you students. Today I am going to teach you subject science, class 10th, chapter 1. And this chapter name is chemical reaction and equation. Basically, इस chapter में हम लोग chemical reactions, types of chemical reactions and chemical equation, oxidation and reduction, इसके बारे में basically हम लोग इस chapter में पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. फर्स्ट हमारा पॉइंट है केमिकल रिएक्शन. ठीक है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस. टू और मोर सब्सटेंस मिलकर जब एक न्यू, एक से एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस को बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन. ठीक है, उसके बाद क्या है? इट कांट बी रिजर्व बाई फिजिकल मेथड. इसको फिजिकल मेथड से हम लोग जो प्रोडक्ट बन गया है टू और मोर सब्सटेंस के मिलने से, जो प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा केमिकल रिएक्शन के थ्रू, उसको हम लोग फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते. फिजिकल मेथड कहने का मतलब है जैसे कि हम लोग क्लास 9th में भी फिजिकल मेथड पढ़े थे, जैसे कि मैग्नेटिज्म, फिल्टरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, है ना, कुछ फिजिकल मेथड्स यहाँ पर दिया हुआ जो कि 9th क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो इन सारे मेथडों से जो है केमिकल रिएक्शन को अलग नहीं किया जा सकता है. ठीक है, उसको या फिर दोबारा उस जो उस सब्सटेंस में हम लोग वापस नहीं ला सकते. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, फर्स्ट चेंज इन स्टेट चेंज हो सकता है. ठीक है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में भी चेंज हो सकता है ना. केमिकल रिएक्शन जब टेक प्लेस होगा तो सॉलिड से लिक्विड में भी आ सकता है, लिक्विड से गैस में भी आ सकता है, गैस से सॉलिड में भी आ सकता है. ठीक है, उसके बाद चेंज इन कलर, उसका कलर भी चेंज हो सकता है. जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसका कलर भी चेंज हो सकता है. ठीक है, फिर चेंज इन टेम्परेचर में भी चेंजिंग देखने को मिल सकती है. ठीक है, फिर है इवोल्यूशन ऑफ गैस, और गैस का भी इवोल्यूशन हो सकता है, यानी गैस भी निकल सकता है उस रिएक्शन में. ठीक है, तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ. हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब भोजन का पचना. ठीक है, हमारे जो हम लोग भोजन खाते हैं उसका पचना भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है. रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना भी जो है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन को इनहेलेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो ये भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन इसमें टेक प्लेस होता है. ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक स्लो केमिकल रिएक्शन होता है इसमें. ठीक है, स्लो प्रोसेस में. तो रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे में जंग लगना, ये भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन होता है इसमें. ठीक है, फिर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड यानी दही का जमना भी क्या होता है कि वो एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है. ठीक है, तो ये सब जो हम लोग देखे, जो एग्जाम्पल्स देखे हैं वो टोटल क्या है? ये हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो केमिकल रिएक्शन में होते हैं. ये रिएक्टेंट्स क्या होता है? हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो पार्ट लेते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं. ठीक है, और जो उनके पार्टिसिपेशन से जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस फॉर्मेशन, जिसका फॉर्मेशन होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है, तो रिएक्टेंट्स के मिलने से, रिएक्ट करने से जो सब्सटेंस बनता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, ठीक है, गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम रिबन को एयर बोलने का मतलब एयर में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बर्निंग के लिए. ठीक है, तो यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम को जलाएंगे तो क्या होगा? हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा. ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है, ये क्या हो जाएगा? ये दोनों रिएक्टेंट्स हो जाएंगे. ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा. ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट्स हो गए और फाइनली हमारा क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो हमारा प्रोडक्ट हो गया. ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट सेशन हम लोग आगे देखते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज
केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो रिप्रेजेंट होता है एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स हो, उनका सिंबल जो होता है वो मेंशन होता है, ठीक है। रिएक्टेंट्स में जो भी एलिमेंट है या फिर प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट मिले हमको, तो उनका सिंबल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, और उसके फिजिकल स्टेट को भी हम लोग मेंशन करते हैं। फिजिकल स्टेट कहने का मतलब है कि यहां पर देखिए एस फॉर सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड अगर होगा सब्सटेंस, उसके लिए एस मेंशन करेंगे, ठीक है। एल फॉर लिक्विड, अगर लिक्विड में होगा वो, तो उसे एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। और गैसेस फॉर्म में होगा तो जी से, एंड एक्वस फॉर्म में होगा तो एक्यू। एक्वस कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई सब्सटेंस जो वाटर में घुला हुआ है, यानी कि वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो वाटर में घुला हुआ होगा तो उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर, इट मींस ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि पिछले बार में हम लोग देखे थे, ठीक है ना, इस चीज को। तो मैग्नीशियम जो है रिबन, उसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन में, ठीक है, एयर में, तो क्या देगा हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को हम लोग, इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग Mg यानी मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस ये ऑक्सीजन है, ठीक है, O2। अब यहाँ पर एक एरो, एरो क्या करता है, रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करता है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgO, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये दोनों जो है, अब रिएक्टेंट्स दो भी हो सकते हैं, दो से एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, और प्रोडक्ट भी जो है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, नहीं दो से एक्स्ट्रा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए एरो जो होता है वो डायरेक्शन शो करता है इक्वेशन का। तो एरो का जो टेल है, तो टेल की तरफ कभी भी रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, ये ऑलवेज होगा। और हेड जो है एरो का, उसकी तरफ जो होगा वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब देखिए इसका फिजिकल स्टेट भी, अभी तक हम ये देखिए यहाँ पर एक चीज है, ये अभी अनबैलेंस है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे बैलेंस करना सीखेंगे। अभी इसका फिजिकल स्टेट हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो फिजिकल स्टेट क्या है, Mg क्या है, तो यहाँ पर फिर से एक बार देखिए हम लोग इसको लिखते हैं, इसको Mg जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड फॉर्म है। तो ये यहां पर देखिए हमारा फिजिकल स्टेट मेंशन हो गया है, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, और जो फाइनली प्रोडक्ट मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे जो हम लोग देखेंगे इसमें क्या, कि हम लोग इसको बैलेंस करना कैसे सीखेंगे, इक्वेशंस को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, इसके लिए हमने एक रिएक्शन लिया है, एक इक्वेशन, फेरिक को वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है ना। फेरिक बोलाता है आयरन को भी, ठीक है। तो आयरन को वाटर के साथ जब रिएक्शन हो रहा है, तो ठीक है फेरिक ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन है, ठीक है ना, फेरिक बोल दिया जाता है, आयरन को फेरिक भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं ये तो अभी अनबैलेंस्ड है, ठीक है, इसको बैलेंस करने का हम लोग प्रॉपर तरीका देखेंगे, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पर एक नॉर्मल सा एक टेबल हमने बनाया है, जिसमें क्या है कि एलिमेंट जो जो इन्वॉल्व है उसमें लिख दिया है, फेरिक है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद रिएक्टेंट्स में जो नंबर ऑफ एटम्स है वहां हम लोग मेंशन करेंगे, यानी रिएक्टेंट्स कहने का मतलब है कि ये है ना, ये क्या है हमारा रिएक्टेंट्स है, और ये दोनों क्या है हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं फेरिक के, यहाँ लिखेंगे, और प्रोडक्ट में कितने हैं फेरिक के, यहाँ लिखेंगे उधर में, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्सीजन में कितने हैं रिएक्टेंट्स में उसके कितने हैं नंबर ऑफ एटम्स, और प्रोडक्ट में कितने हैं ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स, वो लिखेंगे। फिर उसी तरह से हाइड्रोजन का भी लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इस चीज को देखते हैं। तो फेरिक का देखिए रिएक्टेंट्स के तरफ जो है वो नंबर ऑफ एटम्स क्या है, ओनली वन है, ठीक है। उसके बाद इधर भी देखिए फेरिक का जो है प्रोडक्ट की तरफ वो थ्री है, नंबर ऑफ एटम क्या है, वो थ्री है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का यहां पर वन है रिएक्टेंट्स में, और प्रोडक्ट में कितना है, फोर है, ठीक है। और हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन का रिएक्टेंट्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, टू,
और प्रोडक्ट में कितने हैं, टू। तो हाइड्रोजन के जो है रिएक्टेंट्स में टू है और प्रोडक्ट में भी टू है, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो फेरिक का देखते हैं रिएक्टेंट्स में कितना है, वन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में ले लेंगे, इस तरह से घेर देंगे उन लोग को, ठीक है ना। ताकि जो है ब्रैकेट में लेने का मतलब क्या है कि ये इसके अंदर अब कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ठीक है। जो होगा बैलेंस करने के लिए वो बाहर से हो सकता है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, बैलेंस करने के लिए। तो फेरिक में देखिए रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ जो आइटम है वन है और इधर कितना है, थ्री है, ठीक है। तो इसको थ्री से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये बैलेंस हो गया फेरिक, ठीक है ना, ये बैलेंस हो गया। यानी कि यहाँ पर इसको थ्री से मल्टीप्लाई किए हम लोग, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है, तो ऑक्सीजन में भी वही चीज है। देखिए यहाँ ऑक्सीजन रिएक्टेंट में वन है और यहाँ फोर है, तो इसमें फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, अब ये बैलेंस हो गया। तो यहां जब हम लोग फोर से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। देखिए जब हम लोग अभी हाइड्रोजन जो है वो दोनों तरफ बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन के यहां पर मल्टीप्लीकेशन, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में क्या हो गया कि हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, तो उसको हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है ना। उसको हम लोग बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को भी। अब यहाँ पर, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 4:2 यानी कि 8 हो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो हो जाएगा, अब यहाँ देखिए हमारा हाइड्रोजन भी जो है वो बैलेंस हो गया, यानी कि रिएक्टेंट्स की तरफ नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं वो और प्रोडक्ट की तरफ से जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो टोटली इक्वल हो जाने चाहिए, तभी क्या है कोई भी इक्वेशन जो है वो बैलेंस माना जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग फिर से इस तरह से लिख देते हैं, और इस बार हम लोग फिजिकल स्टेट भी इसका शो करेंगे। फिजिकल स्टेट जो कि होता है ना, एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस एंड ए क्यू फॉर एक्वस, इस बार हम लोग लिखेंगे इसको। ये हमारा सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये भी सॉलिड है और ये गैस है, ठीक है। ये हमारा टोटल हो गया, ठीक है ना, बैलेंस इक्वेशन। ये तो एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन था, इसलिए हम लोग को टेबल बनाने की जरूरत पड़ गई, लेकिन एक छोटा सा हमारे बुक की एक्टिविटी को लेते हैं, सिंपल सा, जैसे कि हम लोग पहले भी इस इक्वेशन का यूज कर चुके हैं, Mg plus O2, तो क्या मिला था, MgO, ठीक है। जैसे हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न करते थे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा था, ये भी अनबैलेंस था, हम शुरू में बताए थे आपको, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है, सिंपल तरीके से। देखिए इसमें मैग्नीशियम का रिएक्टेंट ये हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। तो ये इधर वाला रिएक्टेंट है, इधर वाला प्रोडक्ट है, ठीक है ना, टेल की तरफ रिएक्टेंट और हेड की तरफ प्रोडक्ट है, ओके। तो देखिए इसमें मैग्नीशियम कितना है, वन, इधर मैग्नीशियम कितना है, वन, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की इधर टू है, इधर वन है, तो इसके लिए हम लोग को टू से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन बैलेंस होगा, यानी टू से मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन टू, इधर भी टू, लेकिन इसके चक्कर में क्या हुआ कि देखिए मैग्नीशियम फिर अनबैलेंस हो गया, इधर टू मैग्नीशियम हो गया, इधर वन ही मैग्नीशियम है, तो इसके लिए फिर हमको इधर से टू से मल्टीप्लाई करना होगा मैग्नीशियम से, ठीक है। तो अब ये जो क्या हो गया हमारा, वो बैलेंस हो गया। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मोर देन प्रैक्टिस की जरूरत है स्टूडेंट्स, ठीक है। जितना ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली समझ में आएगा, और इस टेबल के लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आराम से हम फटाफट एकदम इसको बैलेंस कर देंगे इक्वेशन को, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आवर फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, देखते हैं। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, टू और मोर रिएक्टेंट्स मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस फॉर्मेट में ए प्लस बी और प्रोडक्ट मिलेगा ए बी, सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, बर्निंग ऑफ कोल, कोल को बर्निंग करते हैं, ठीक है। तो कार्बन यानी कि कोल कार्बन के फॉर्म में है, ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, और ये ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है, इसको बर्न करा रहे हैं, तो क्या बनता है, CO2 गैस, है ना, ये CO2 गैस, यानी कि दो रिएक्टेंट्स मिलने से, है ना, क्या बना, एक सिंगल प्रोडक्ट बना। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं,
फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का फॉर्मेशन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है वाटर। तो ये टू रिएक्टेंट्स हो गए, हाइड्रोजन जो गैसियस फॉर्म में है और ऑक्सीजन ये भी गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो दोनों रिएक्टेंट्स को मिलने से क्या बना, वाटर H2O, ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो दो रिएक्टेंट्स के मिलने से एक प्रोडक्ट हमारा सिंगल प्रोडक्ट मिला, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो इसे ही सिंपल फॉर्म में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड नंबर जो है हमारा टाइप है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इन दिस रिएक्शन ए कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक कंपाउंड जो है, ठीक है, वो स्प्लिट हो जाता है टू और मोर सब्सटेंसेस मींस प्रोडक्ट में, है ना। यानी कि एक जो रिएक्टेंट्स है कंपाउंड फॉर्म में वो स्प्लिट हो जाता है टू और मोर सब्सटेंसेस यानी कि टू और मोर प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि ए कोई रिएक्टेंट्स है वो टूट स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है बी और सी टू टाइप्स के प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन एंड थर्ड इज फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग डिटेल्स में एग्जाम्पल्स के हेल्प से तीनों को वन बाय वन इजिली पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे अभी थ्री टाइप्स के जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हैं उनके बारे में। फर्स्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कि हम बता चुके हैं वेट डीकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय हीट, ठीक है, जो कि हीट देने से डीकम्पोजिशन होता है उसे बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है उसको जब हीट देंगे, ठीक है, एक्सटर्नल हीट, तो क्या होगा कि वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, वो टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इसमें क्या करना, व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जो डिकम्पोजिशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर को जो कि लिक्विड फॉर्म में है उसको इलेक्ट्रिक करंट जब पास करेंगे वाटर में तो वो टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है टू प्रोडक्ट्स में। थर्ड है हमारा फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हेन डीकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट में ये डीकम्पोजिशन होता है, ठीक है। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड AgCl को क्या करेंगे हम लोग सॉलिड फॉर्म में, उसको सनलाइट में अगर हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, सनलाइट देंगे तो वो सिल्वर या सिल्वर और क्लोरीन में वो स्प्लिट हो जाएगा, यानी टू प्रोडक्ट्स मिलेंगे उसको, डीकम्पोज होने के बाद टू प्रोडक्ट्स मिलेगा सिल्वर और क्लोरीन, ठीक है। तो इस तरह का तीनों टाइप्स के जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन एंड फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। एंड लास्टली अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये जो लास्ट वाला जो फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन है वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो है उसमें ये रिएक्शन को यूज किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है हमारा उसके टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स और थर्ड नंबर केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, देखते हैं। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फॉर्म इट सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल एक हम लोग, जैसे यहां पर है Fe, आयरन जो है किसके साथ रिएक्शन किया जा रहा है, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में इसको डाला जा रहा है, ठीक है, रिएक्शन कराया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, हम यहां देखेंगे कि इसका जो कॉपर का जो सल्फेट है, ठीक है, वो आयरन ले ले रहा है, यानी कि आयरन सल्फेट बन जा रहा है, ठीक है, और कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, बाहर कर दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। हमारी बुक में भी एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि टेस्ट ट्यूब लेंगे हम लोग, ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेंगे दो टाइप के, ए एंड बी। एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट हम लोग डालेंगे, ठीक है, जो कि ब्लू कलर का होता है, उसमें आयरन नेल को, एक आयरन नेल जो कि एकदम शाइनिंग होता है उसको हम लोग डालेंगे। जैसे ही उस आयरन नेल को हम लोग कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो उसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, उस कॉपर सल्फेट वाले को कलर जो है ग्रीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें से जो कॉपर था उसको आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, हटा दिया, तो वो क्या होगा, वो अब आयरन उस पर चढ़ गया, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो पूरा ग्रीन कलर का हो जाएगा। और आयरन को जब बाहर निकालेंगे
तो देखेंगे क्या, जो कि आयरन जो नेल था वो शाइनी था, उस पर अब वो ब्राउन कलर का हो गया क्योंकि उस पर जो है सल्फेट उस पर आ गया, सल्फेट का लेयर चढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है आयरन, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जैसे ही आयरन नेल को डालेंगे तो क्या कर रहा है, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है। क्योंकि जो आयरन होता है वो मोर रिएक्टिव होता है एज कंपैरिजन टू कॉपर, ठीक है। कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, इसी वजह से वो उसको रिप्लेस कर दे रहा है, ठीक है। अब हमारा फोर्थ नंबर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है देखते हैं हम लोग, a reaction in which in compound are formed by mutual exchange of ions between the compounds, mutual exchange होता है two compounds के ions के बीच, mutual compounds ना mutual ions का transfer होता है। तो ये देखते हैं हम लोग, इसका examples हम लोग देखते हैं, जैसे कि sodium sulphate, ठीक है, aqueous form में है sodium sulphate और barium chloride को हम लोग क्या करते हैं reaction कराते हैं। तो फिर क्या होता है कि यहां पर देखिए, जो सोडियम का जो सल्फेट था वो चला गया बेरियम के साथ, यानी बेरियम अपना सल्फेट बना लिया, और जो देखिए जो बेरियम का जो क्लोरीन था वो अब सोडियम ले लिया, यानी कि सोडियम क्लोराइड बना दिया, ठीक है। तो यहां पर एक्सचेंज हुआ आयंस का, आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ दो कंपाउंड के बीच में। जैसे बेरियम का जो होता है वैलेंसी वो प्लस टू होता है, और देखिए सल्फेट का माइनस टू, यानी कि बेरियम के पास दो एक्स्ट्रा ज्यादा है, है ना, दो ज्यादा है आयंस और सल्फेट के पास दो कम है, तो वो दोनों क्या किया आपस में एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए म्यूचुअल एक्सचेंज कर लिया अपना, और म्यूचुअल एक्सचेंज करने के बाद बेरियम सल्फेट बना लिया, ठीक है। उसी तरह से सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है और क्लोरीन में एक कम है, तो वो म्यूचुअल आयंस को, है ना, आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज करने से क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड बना लिया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें, है ना, दो कंपाउंड का एक्सचेंज हुआ आयंस का, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ नंबर पॉइंट ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, लेट्स देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन क्या होता है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस में एडिशन करना ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन अगर ऐड होगा तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। उसके अलावा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी, यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो भी क्या होगा वो वहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। उसी के जस्ट अपोजिट आता है रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वहां पर हाइड्रोजन को क्या कर रहे थे रिमूव कर रहे थे, लेकिन यहां पर एड करना है, ठीक है, और ऑक्सीजन को वहां ऐड कर रहे थे ऑक्सीडेशन में, तो रिडक्शन में इसको क्या करना है रिमूव करना है, तो इसको क्या बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। एग्जांपल्स हम लोग अच्छे से समझेंगे इसको। फर्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, कॉपर को क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन से क्या कर रहे हैं रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है 2Cu यानी कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन का यहां पर प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर देखते हैं, देखिए Cu यानी कि कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन से जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि जो कॉपर जो ऑक्सीजन कैरी किया हुआ था वो अब रिमूव कर दे रहा है, इसका मतलब है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसमें होता है रिडक्शन में, तो यानी इसका क्या हो रहा है कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए हाइड्रोजन जो है जो कि सिंगल था यहां पर, अब वो क्या कर रहा है कि H2O बना दे रहे हैं, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, तो यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है उसका, यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, तो वैसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, क्या बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ हो तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो हम लोग क्लियर हो गया है टाइप्स, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तो फर्स्ट इफेक्ट है हमारा कोरोजन, ठीक है। तो कोरोजन को समझते हैं क्या होता है। When a metal is exposed to substance such as air, moisture, water, acid, etc., a layer of oxide is formed which weakens the metal, hence metal said to be corroded. इसमें क्या होता है कि कोई भी मेटल होता है, ठीक है, वो एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में, ठीक है, एसिड के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में आ जाने से क्या होता है कि वो वीक हो जाता है, ठीक है, उस पर क्या होता है वो एक्सपोज हो जाता है, वो वीक हो जाता है, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद वो काफी वीक हो जाता है मेटल, ठीक है, उस पर ऑक्साइड लेयर चढ़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि वो मेटल जो है वो कोरोड हो गया, यानी कि इस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल हम लोग अच्छे समझेंगे,
रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन एक कोरोजन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि आयरन पर जो होता है मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में, एयर के कॉन्टेक्ट में आने से क्या होता है कि ऑक्साइड लेयर चल जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो काफी वीक हो जाता है ना, कमजोर हो जाता है। इसके बाद ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग चल जाती है मॉइस्चर में, एयर में या वाटर के कॉन्टेक्ट में आने से। फिर है ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर पे, कॉपर पे क्या होता है ग्रीन कलर का, हरे कलर का कोटिंग चल जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एयर और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आने से, ठीक है। और इस कोरोजन से बचने के लिए मेटल्स पर क्या किया जाता है, पेंटिंग कर सकते हैं हम लोग, ग्रीसिंग कर सकते हैं या फिर गैल्वेनाइजेशन किया जाता है ना जिंक का। तो ये सब मेथड से हम लोग क्या कोरोजन से बच सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। मतलब फैट्स एंड ऑयल्स का ऑक्सीडेशन जब हो जाता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। इट्स लीड टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। और ये रेंसिडिटी जब हो जाता है, यानी कि फूड का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट्स का, फूड का ना, ऑयल्स का, तो वो बैड स्मेल देने लगते हैं, सड़ जाते हैं और बैड टेस्ट भी हो जाता है उसका। उसके एग्जाम्पल समझेंगे कि कोई अगर फूड कंटेनर है हमारे पास, या फिर जैसे कि चिप्स की पैकेट है, चिप्स की पैकेट का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। चिप्स की पैकेट में क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है कंप्लीटली, ठीक है, निकाल करके चिप्स के अंदर। ये क्वेश्चन भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चिप्स के अंदर, चिप्स पैकेट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं करता है, ठीक है। तो फूड पैकेट जो चिप्स है उसके अंदर अगर ऑक्सीजन को छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीडाइज कर देगा फूड को, चिप्स को ऑक्सीडाइज कर देगा, जिससे वो गल जाएगा ना, और वो स्मेल ना बैड स्मेलिंग करने लगेगा, ठीक है, और उसका टेस्ट भी पूरा बैड हो जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन को एकदम कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाता है और उसके जगह पे नाइट्रोजन गैस को हम लोग उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उससे हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया रेंसिडिटी क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में जो है वो कोरोजन से इफेक्ट करता है और रेंसिडिटी से, ये दोनों ऑक्सीडेशन के इफेक्ट हैं, ठीक है। और लास्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन इज आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेस के आधार पर भी केमिकल रिएक्शन को टू टाइप्स में क्लासीफाइड किया जा सकता है। फर्स्ट होता है एक्सोथर्मिक एंड सेकेंड इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होता है इसमें प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ लॉट्स ऑफ हीट रिलीज होता है, ठीक है, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लेते हम लोग, एग्जाम्पल समझेंगे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को जब बर्न करेंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज करेगा। देखते हैं CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं, नेचुरल गैस है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। और ये देखिए H2O यानी वाटर, ठीक है, तो वाटर तो ऐसे लिक्विड फॉर्म होता है लेकिन यहाँ पर गैसेस फॉर्म में, यानी वेपर फॉर्म में है, ठीक है, देगा और लॉट्स ऑफ हीट रिलीज करेगा। जब भी हम लोग किसी भी फ्यूल को, ठीक है, हम रिलीज करते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या होता है कि वहां पर लॉट्स ऑफ हीट रिलीज होता है, ठीक है। अब देखते हैं इंडोथर्मिक, the reaction in which require of energy in the form of heat, light and electricity called endothermic reaction। यानी ऐसा reaction जिसको कराने के लिए बहुत सारे energy की जरूरत पड़ती है, किस form में, heat के form में, light के form में, electricity के form में, तो वैसे reaction को क्या बोलेंगे, endothermic reaction बोलेंगे, ठीक है। यानी कि requirement यहाँ हो रही है ना, lots of वहाँ पर release हो रही थी, लेकिन यहाँ पर endothermic में requirement होती है lots of heat की, इसको बोलेंगे endothermic। इसके examples भी वही हो जाएंगे जो हम लोग अभी पढ़े थे, हम लोग क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो पढ़े थे ना कि हीट के थ्रू होता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है, सनलाइट के थ्रू होता था, वही तीनों इसके भी एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है ना, कि वहां पर हम लोग हीट दे रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे और सनलाइट दे रहे थे, तो वो तीनों एग्जाम्पल इसमें सेट कर जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये टोटल पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं इस चैप्टर के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स इजिली क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।